The 4 years that I did not, मतलब 2 साल, because 1.5-2 साल तो हम काम ही कर रहे थे साथ में. I think have some good parts and have some bad parts, like in all our lives because of COVID. And मेरे लिए भी वैसा ही था. तो 1-2 साल मैं काम नहीं किया. आई वॉन्टेड टू बी विद द चिल्ड्रन. तो अच्छी बात ये थी कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ फर्स्ट हैंड देख सका, आर्यन को, सुहाना को, अब्राम को, एंड आई कुड स्पेंड टाइम विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स. दूसरी अच्छी बात ये हुई कि मुझे लगा कि मेरी आखिरी फिल्म चली नहीं थी, तो लोग कह रहे थे अब मेरी फिल्में चलेंगी नहीं, तो मैंने ऑल्टरनेट बिजनेस सोचना शुरू कर दिया. मैंने खाना पकाना सीखा कि रेस्टोरेंट खोल लूंगा, उसका नाम रखूंगा रेड चिलीज फूड ईटरी. मैंने इटालियन खाना बनाना सीख लिया, तो वो अच्छा है. अब क्या है कि मैं जब शूटिंग में जाता हूँ तो सिद्धार्थ जो बहुत ही ज्यादा खाना खाते हैं, मैं फिर बताना चाहूंगा कि सारी बुराइयां आज मैं आपको बता दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था इनसे. सो ये इनको खाना बहुत अच्छा लगता है. आफ्टर 10 डेज ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई वर्क, लेकिन मैंने हर रोज इसको पिज्जा खिलाया सेट के ऊपर, तो उसने कहा चलो ठीक है बाकी फिल्म मैं इसके साथ कर लूंगा. सो ये अच्छी बात है. बुरी बात में यही है कि घर बैठे रहे. अच्छी बात ये भी हुई कि मुझे जब मालूम पड़ा जॉन फिल्म कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, एक हमने एंडोर्समेंट साथ में छोटी सी की थी. जॉन इज अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. व्हेन आई केम टू मुंबई वी गॉट टू नो ईच अदर, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड नॉट वर्क टुगेदर. एंड हमेशा ऐसा कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, बट आई रिक्वेस्टेड हिम, सिर्फ रिक्वेस्टेड हिम, एंड वॉज वेरी काइंड. फिर मैं डर गया कि जॉन के साथ मुझे एक्टिंग करनी है तो बॉडी शॉडी तो होनी चाहिए थोड़ी. वर्कआउट किया जो जॉन ने भी मुझे काफी सिखाया. हाँ, जॉन को तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ. 2-4 सीन में ऐसे किस भी करने वाला था. और मैं बताना चाहूंगा कि जॉन ने भी ट्राई किया, ऐसे नहीं एक एक तरफ का मोहब्बत है, उसने भी ट्राई किया, तो हम दोनों की बहुत मोहब्बत है. बट इट्स नाइस टू बी बैक. मैं जल्दी में कभी नहीं रहता कोई फिल्म खत्म करने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा ये जेन्युइन डिजायर है, सिर्फ एक्टर की तरह नहीं बोल रहा, इंटरव्यू में नहीं बोल रहा, मेरी जेन्युइन डिजायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकता हूँ. जब मैं उसमें फेल होता हूँ, किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है, तो मैं बहुत खुश हूँ. उन लोगों के से बांट सका जो मेरे बहुत ही करीब हैं, आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ, और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया. क्योंकि एज यू विल नोटिस द फिल्म इज अ वेरी बिग फिल्म, इट विल बी एन एक्सपेंसिव फिल्म, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग फिल्म, बट टू गेट मी एंड गिव मी अ चांस टू कम एट द टाइम व्हेन आई वाज़न्ट वर्किंग and allow me to be a part of this film, I will ever ever be grateful to Aditya Chopra and Siddharth, and then to Deepika of course. Main usko grateful nahi kehta, mohabbat kam ho jati. But I just want to say and enjoy this film. Main wo 4 saal bhool gaya hu pichle 4 days. 4 days.